बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय एसटी कॉलेज, दैट इज़ कुबला खान बाय एसटी कॉलेज। सो इन दिस पोएम वी विल डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट दिस पोएम एंड व्हाट वर द जॉनरा दैट दिस पोएम बिलोंग्स टू एंड अदर थिंग वी विल डिस्कस अबाउट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम्स and then we will discuss about in Urdu and as well as in English so that you can understand well. So Kubla Khan is very important thing particularly by ST College and mostly the people who are belonging to literature, English literature, they know about the worth of Kubla Khan. So that's why I have chosen that poem to discuss about this imaginary poem. So before starting this poem, I request you to subscribe my channel so that you can receive all my videos on daily basis. So jump to the first slide, that is Kubla Khan by Astri College. When it published in 1816, it was published. Type is a poem. It is a poem. Then genre is a fiction. So these three information have been in the front page. And now we would like to start in English and as well as Urdu so that you can understand it very well. In Xanadu did Kubla Khan a stately prayer doom decree, where the elf, the sacred river ran through the cavern mileless to a man down to a sunless sea. अब हम इसको उर्दू में देखते हैं कि चीन के कदीम शहर Xanadu में कुबलाई खान ने एक आलीशान महल बनाने का हुक्म दिया। अब आलीशान महल जो प्लेयर डूम को जो है आलीशान कहा गया है, जहाँ मुकद्दस दरिया एल्फ बहता है, जहाँ पे एक दरिया बहता है जिसको एल्फ के नाम से दिया गया है, और ना इसकी जो पेमाइश है वो नाकाबले पेमाइश गहरी घाटियों में से ये गुजरता है और फिर ये गहरे से समुंदर में जाकर गिर जाता है। अब हमने इस रिवर के बारे में बताया है, ये एक इमेजिनरी जो है, Xanadu एक चीन का जो है शहर है, तो इसके अंदर जो मंगोल्स ने जो है गयासुद्दीन ने गयास ने क्या है कि उसका जो है नफ्यू था, और कुबला खान ने जनाब एक जो है ख्याली जो है प्लेयर डोम बनाया है, बनाने का हुक्म दिया है, और जहाँ पे एल्फ रिवर जो है, अगर हम एल्फ रिवर को देखो तो मंगोलिया में इस किस्म का कोई रिवर नहीं है। और अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें तो एल्फ जो है वो एक्चुअली ग्रीक में, यूनान में भी जो एक दरिया है, माइट भी ये ना उसका लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने दिया है। इसकी अदर इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि माइट भी जो है ग्रीक लैंग्वेज में जो है अल्फाबेटिकल जो होते हैं वो एल्फ से शुरू होता है, अल्फा से शुरू होता है। इट मीन दैट इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम। माइट भी जो है उसने इसको बिगिनिंग से शुरू किया हो, इसलिए इसका वर्ड जो है दिया गया है। और इसके अगर हम देखें कि सो ट्वाइस फाइव माइल ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, आप जो है अल्फ रिवर के साथ एक इमेजिनरी लैंड देकर, खौफजदा लैंड देकर जो है आगे जो है एक बहुत ही उसके अपोजिट इसके कंट्रास्ट पैदा करने की कोशिश करता है। सो ट्वाइस फाइव मील क्या है कि 10 मील जो है फर्टाइल ग्राउंड, उसके साथ साथ जो है 10 मील के फासले पर जो एक जरखेज जो है ग्राउंड है, with wall and tower were guarded around it. It means that it was surrounded with the high wall and towers. यानी इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इसको घेरे में लिया गया, जो डिक्री जो प्लेयर डोम है उसकी बात कर रहा है। एंड देर वॉर गार्डन ब्राइट विद द सीनियस रील, और वहाँ पर बलखाती हुई जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पर लगी हुई है, और वहाँ पर बहुत ही फलगाती हुई जो है बाड़ें लगी हुई हैं, और इन बल्क जो कि बल्क ट्विस्टिंग हैं जो है ना, वेयर द ब्लासम मैनी इंसेंस बेरिंग ट्री, और वहाँ पे बहुत से खुशबूदार पौधे भी हैं, दरख्त भी हैं। अब जो इसका कंट्रास्ट ऊपर वाला और नीचे वाले जो है उनका कंट्रास्ट जो किया है ये टोटली डिफरेंट है। ऊपर वाला इमेजिनरी है और नीचे वाला जो है थोड़ा सा जो है बिल्कुल सही है, स्टंजा उसको दिया गया है। और वहाँ पर कहते हैं हेयर वॉज द फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और जहाँ पर जो है वहाँ पर बड़े नजाब किस्म के जंगलात हैं, इन फोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, और इसके साथ साथ जो है जो सरसब्ज जो है गहरे हुए हैं, इनको घेरा हुआ है, इन सब के दरमियान जो है ये प्लेयर डोम है। इसमें दो इमेज के दरमियान जो है इसने कोशिश किया है कि वो दे।
But oh, that chasm, deep chasm, deep romantic chasm, which slanted down the green hill author Saturn cover. अब वो आगे क्या कहता है जी के, लेकिन उस तिरछे रोमानवी शगाफ की क्या बात थी, यानी जो चैसम की बात कर, एक शगाफ है उसमें से पानी निकल रहा है, उसकी क्या ही बात थी। वो कह रहा है जो नीचे से सब पहाड़ी की तरफ जाता है और जिसके दोनों तरफ में सेडन के दरख्त लगे हुए हैं। एक हॉन्टेड प्लेस को जहर करने की कोशिश कर रहा है। अ सेविज प्लेस एज अ होली एंड एंजॉयड मीन टू सेडन के एक दम बहुत कर देने वाली जगह, जैसे मुकद्दस या शहर आलूदा जगह हो, सहर ज़्यादा जगह हो, उसको जहाँ बताने की कोशिश की है। बाई वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, जहाँ पे जो है एक औरत जो है अपने आशिक को कोसती है, अपने बेवफा आशिक को जो है, डेमन लवर मीन टू से बेवफा आशिक को कोसती है। एंड फ्रॉम द चेसम विद द सीजलेस मॉयल सीरिंग, और इसके साथ साथ जो है इसी शिगाफ से ना ख़त्म होने वाला शोर करते हुए अब क्या कहता है जी, एज इफ द अर्थ, एक जो ना ख़त्म होने वाली जो आवाज़ है, एज इफ द अर्थ इन द फास्ट थिक पेंट्स वर ब्रीथिंग, ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़मीन जो है बड़े गहरे सांस लेते हुए हांप रही हो, जैसे हांपता है बंदा सांस लेता है। तो ये एक बहुत ही अनयूजल इमेज जो है वो एसटी कॉलेज ने अरेंज किया है, और इसने बताया है कि किस तरह जो है वो ये सुराख में से जो है पानी है और किस तरह वो सैर आलूदा है, और ये सेवेज प्लेस है, और सेवेज प्लेस के साथ ऐसी है जैसे कि एक औरत जो है अपने बेवफा आशिक के लिए जो है वो कोसती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ आती है जैसा कि जो है ज़मीन जो है हांप रही हो। जंप टू द नेक्स्ट वन, एंड माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, और उसमें से जो है एक बहुत बड़ा ताकत वाला जो है चश्मा जो है उसमें से क्या है कि बालमा फूट पड़ता है। एमिट हु स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट ब्रस्ट, और जिसके पानी के बड़े बड़े दो टुकड़ों के दरमियान ह्यूज फ्रेगमेंट वॉल्टेड लाइक अ रिबोंडिंग हेल, ऐसे लगता है जैसे आसमान से ओले पड़ रहे हों। आर शेफिक ग्रेन बनीथ द थ्रेशर्स फ्रेल, या फिर गंदम गहने वाली डंडे के नीचे भूस लगे हुए धाने गिरते हैं, जिस तरह ये गंदम में से जो है दाना अलहदा होता है और भूसा जो है अलहदा होता है, उसके बारे में उसने बताया है। एंड मिट दीज डांसिंग रॉक एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अ मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और फिर इन रक्स करती हुई चट्टानों के दरमियान एक दफ़ा और हमेशा के लिए इट फ्लंग अ मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, यह कि ये दरिया मुकदस जो है बहना शुरू कर दे। 5 माइल मेंडरिंग विद द मेजी मोशन, 5 मील तो लहराता हुआ बल खाता है, यानी 5 मील जो है ये लहराता जाता है और बल खाता हुआ जाता है। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रेन, ये जो है ये दरियाए मुकद्दस जो है वादियों और जंगल में से बहता है। देन रीच्ड अ कैवर्न मायरलेस टॉमेन, फिर जो है एक ऐसी चट्टान में पहुँच जाता है जहाँ पे इंसान को इसकी पैमाइश करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, पैमाइश इंसान के बस की बात नहीं है। एंड सैंक इनटू टर्मुलेंट एंड टू अ लाइफलेस ओशन, और फिर शोर करता हुआ गहरे समुंदर में जाकर गिरता है। ये जो इमेज जो है फिर जो है उसने फर्स्ट वाले के साथ मिलाने की कोशिश की, जहाँ पे सेक्रेड रिवर मिलता है। ये सारा जो है एक नक्शा जो है खींच रहा है, दो आइडियाज जो है एट ए टाइम जो है एक्सप्लोर हो रहे हैं। एंड एमिड दिस स्टिमुलस कोबला हार्ड फ्रॉम फॉर एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर, और इसी शोर शराबे के अंदर कुबलाई खान जो है दूर से सुनता है कि वो अपने आबाओ जात की जंग के बारे में पेशगोइयाँ करती हुई आवाज़ों को सुनता है, यानी उनकी साउंड को सुनता है कि इनकी किस तरह जो है जंग के बारे में जो है। द शेडो ऑफ द डूम ऑफ द प्लेयर, और इस महल के साया जो है फ्लोटेड मिड वे ऑन द वेव, दरिया के किनारों के दरमियान तैरते हुए जाता है। वेयर हार्ड द मिंगल्ड मायर, जहाँ उसे मिली जुली आवाज़ें सुनाई देती हैं कम या ज़्यादा जो है। फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, चश्मे और गारों में से जो है वो आवाज़ें सुनाई देती है। वेयर वॉज हार्ड द मिंगल्ड मायर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रियल डिवाइस, और ये एक नजाब किस्म का मौजा होता है। दैट कौन सा मौजा होता है,
दैट द सनी प्लेयर डूम विद द केव ऑफ आइस के बर्फीली गारों के साथ साथ धूप रोशन महल जो है होता है। और अब हम इसको अगर तीसरे में देखें कि आर डेम्सल विद द डल्साइमर एक जो है दोशीज़ा है जिसने अपने साथ मुसीकी का जो है आला लिए हुए एंड आर हार डेंसन शी प्लेड और अपने मुसीकी के आले के साथ वो गा रही है सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। इट मीन यह है कि ही शी इज सिंगिंग अबाउट अ माउंट माउंट इज अ माउंटेन अबोरा अबोरा इज अ माउंटेन नेम तो सो ही शी इज टॉकिंग अबाउट शी इज सिंगिंग अबाउट द माउंट अबोरा कुड इट रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। अब वो क्या कहता है जी काश मैं याद कर सकता और इसकी धुन और उसके गीत को व्हाट शी इज सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ अस टू सच अ डीप डिलाइट वुडंट वांट मी और तो मुझे कितनी खुशी होती दैट विद द म्यूजिक लाउड आई लॉन्ग के मैं उसकी मौसीकी के सहारे आई वुड बिल्ड दैट डोम इन द एयर के मैं अपने तसव्वुर में तामीर कर लेता वो डोम जो है। और वो कहता है और ऑल ओके आप मैं कर लेता इसके साथ जो है बिल्ड डोम द सनी डोम दैट कर्व ऑफ द आइस और फिर जो है वो जो सनी डोम है इसकी जो बात कर रहा है दैट द सनी डोम ऑफ द केव्स ऑफ द आइस के मैं अपने तसव्वुर में तामीर कर लेता इस धूप रोशन महल को और इस बर्फीली गारों को एंड ऑल हु हार्ड शुड सी देम देयर और दुनिया की तमाम चीज़ें वहाँ होती एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर और मैं सब चिल्ला उठते कि खबरदार खबरदार हर फ्लैशिंग आइज हर फ्लोटिंग हेयर कुबलाई खान की चमकती हुई आँखें और उसके तैरते हुए बाल। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में हर फ्लैशिंग आइज हिज फ्लैशिंग आइज की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वेव्स असरकर राउंड हिम थ्राइस और उसकी गर्दन के तीन दायरे लगा लो इसकी बात कर रहा है एंड क्लोज योर आई विद हॉली ड्रेड और एक मुकद्दस खौफ से अपनी आँखों को बंद कर लो फॉर ही ऑन अ हनी ड्यू फैट क्योंकि उसने जन्नत का शहद खाया हुआ है एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज और उसने जन्नत का दूध पिया हुआ है। तो सो ये जो है एस्ट्री कॉलेज की जो है कुबलाई खान का जो है एक ड्रीम है ख्वाब है जो कि आपके सामने प्रजेंट किया गया है। तो मेरी इंटरप्रटेशन के मुताबिक जो एट द एंड जो पैराडाइज है ये जो जेनेडो में जो महल जो है प्लेयर डूम था इट इज़ एसोसिएटेड विद द हेवन। सो जंप टू द समरी स्टेप वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इन इंग्लिश बिकॉज अर्लियर दैट वी वर डिस्कसिंग इन उर्दू। फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर डिस्क्राइब अ प्लेस कॉल्ड जेनेडो वेयर द रूलर नेम कुबला खान रूल्स फ्रॉम अ स्टेटली प्लेयर डूम built under the under his command Xenedo is near the sacred river that runs through the cavern out of the sea the land the place is on the fertile and full of garden it is surrounded by the wall tower and ancient forest so that is the commentary and summary of the first stanza and then jump to the second one there is moss covered deep romantic chasm एक वहाँ पे शगाफ की बात कर रहा है इन द हिल साइड द स्पीकर डिस्क्राइब द फॉरेस्ट अराउंड इट एज सेविज एंड हॉन्टेड प्लेस एंड हाउली एंड एन्चॉन्टेड इट इज प्लेस हॉन्टेड बाय अ वूमेन वेलिंग फॉर हर डायमंड लवर फ्रॉम अ चेसम अ फाउंटेन ब्रस्ट एंड कंटिन्यू अ गश इन द इंटरमिटेड ब्रस्ट द स्पीकर फील दीज ब्रस्ट एज दो दे आर ऑलमोस्ट अलाइव ब्रीदिंग एंड फोर्सफुल From there the river originates and it runs to 5 miles through the forest and the lands, reaching all the way to the caves and the sea. In the sound coming from the river, Kubla Khan hears ancestral voice, his forefathers' voices, prophesying when the war is coming. Then they are predicting that the war is coming. And the player doom cast a shadow on the waves where the sound of both fountains and the caves can be heard. This seems like a strange miracle, and speaker paints an image of sunny player doom with the cave of ice. So jump to the last one, how the poet has explained the last one. The speaker once had a vision that in which he saw a damsel. Damsel is a beautiful girl with the
And Dilsheimer, a woman who is Abyssinian, it is Ethiopia, Addis Ababa in Ethiopia, who played her stringed instrument and sang about the place called Mount Abora. The speaker is filled with the delight to recall her singing and playing. He imagines that if he had the power to recall it accurately, he could build that dome in the air. With its caves of ice, he feels that anyone would hear the song and would be the doom of cry beware at the sight of a man with the flashing eyes and the floating hair. The speaker instructs these listener listening to the waves circle round him three times and they close their eyes with a holy dread because this man has eaten honeydew and drank the milk of paradise. So यहाँ पे हमारा जो है तीन स्टेंजा की जो है हमने कोशिश किया है कि आपके सामने इंग्लिश में भी और लैंड के साथ लैंड उर्दू में भी बताने की कोशिश की है. दिस वाज ऑल अबाउट कुबला खान और एसटी कॉलेज के जो है इमेज की बात की गई है. उम्मीद है आपको ये जो है पोइम जो है एक्सप्लेनेशन पसंद भी आएगी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और हमें ज़रूर आप फीडबैक देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.